जाइंट रेड स्पाइडरमैन मुझे छोड़ दो। मैं ब्लैक स्पाइडरमैन नहीं जानता था कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो गए, लेकिन तुमसे जीतना इम्पॉसिबल है। नहीं ब्लैक स्पाइडरमैन, तुमने मेरी सिटी में ज़ॉम्बी वायरस फैला दिया है, इसीलिए आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता है। गाइज यार, ये ब्लैक स्पाइडरमैन हमारी सिटी में कहां से आ गया यार? ये देखने में तो काफी ज्यादा एविल लग रहा है और ये अभी हमारे पीछे भी लगा हुआ है। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, ये देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए चलो हम यहाँ से भागते हैं। अरे सिंचन, हम यहाँ से भागते क्या है यार, यहाँ के लोगों को क्या हो चुका है? गाइस ये एकदम ज़ॉम्बी कैसे बन गए? भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि ये स्पाइडरमैन ही ज़ॉम्बी वायरस फैला रहा है। यहाँ पर पहले कोई भी नहीं था और अभी इतने सारे लोग आ गए और ये अभी हमारे पीछे भी लगा हुआ है। इस ब्लैक स्पाइडरमैन को पता है कि मैं फ्रैंकलिन यार अवेंजर्स का एक मेंबर हूँ, इसलिए यार ये हमें भी मारना चाहता है। तेरी तो ऐसी की तैसी। मैं यार इस पे गोलियां चला रहा हूँ लेकिन इसका कुछ असर भी नहीं हो रहा है। सिंचन एक बार गाड़ी से उतर, मैं एक बार इस पे RPG और चला के देखता हूँ। भाई साहब ये कितना ज्यादा खतरनाक है। और यार यहाँ पे तो ज़ॉम्बी भी आ गए। ओए सिंचन बेवकूफ, चल जल्दी से हम यहाँ से भागते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया एक सेकंड तो रुको, मैं अभी आया। अरे सिंचन ये ले, हम वहाँ से तो बच के आ चुके हैं, लेकिन गाइस हमारी सिटी में अभी चारों तरफ ये ज़ॉम्बी हो चुके हैं। अभी यार हमें कुछ भी करके इसे रोकना ही होगा और इस ब्लैक स्पाइडरमैन को रोकने की ताकत सिर्फ हमारे रेड स्पाइडरमैन में ही है। अरे लेकिन फ्रैंकलिन भैया, क्या आप रेड स्पाइडरमैन का पता जानते हो? अरे सिंचन मुझे रेड स्पाइडरमैन का तो पता है, लेकिन गाइस उसके लिए हमें दूसरी दुनिया में जाना होगा। इसीलिए यार अगर आप भी हमारे साथ दूसरी दुनिया में जाना चाहते हो तो जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। और आप जैसे ही वीडियो को लाइक करोगे हमारे दूसरी दुनिया का पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो आबरा का डाबरा गिले गिले छू। अरे फ्रैंकलिन भैया ये क्या, हम कहां पर आ चुके हैं? ओए सिंचन एक बार तू जल्दी से गाड़ी से उतर। और यार हम यहाँ पर क्या ही गंदा गिरे हैं। गाइज मुझे लगता है कि हम हमारे दूसरे यूनिवर्स में आ चुके हैं और सिंचन शायद हमें यहाँ पर अपना रेड स्पाइडरमैन भी मिल सकता है। अरे फ्रैंकलिन भैया, क्या उस स्पाइडरमैन के भी इतने ही ज्यादा हाथ होंगे? आई थिंक सो यार, हमारे उस स्पाइडरमैन के इतने हाथ होने चाहिए और उसका साइज भी गाइज उतना ही ज्यादा जायंट हो सकता है। तो चल सिंचन एक बार जल्दी जल्दी से यहाँ पर आ जा। और गाइज ये वाली दुनिया तो काफी ज्यादा ही मस्त लग रही है। ये हमारी दुनिया के बीच से काफी ज्यादा अलग है। और सिंचन अगर तुझे यहाँ पर कोई भी अजीब चीज दिखे तो सबसे पहले मुझे ही बताइयो। और गाइस यार इन्हें शक नहीं होना चाहिए कि हम दूसरी दुनिया से आए हैं, लेकिन ये दुनिया भी काफी ज्यादा ही मस्त है। और सिंचन ये देख, मुझे लगता है कि यार हमें यहाँ पर अपना पहला स्पाइडी मिल चुका है। गाइज ये स्पाइडर तो यार हमारी दुनिया से काफी ज्यादा अलग है और इसकी एक गाड़ी भी खड़ी है। मुझे लगता है कि यार ये गाड़ी हमारे जायंट स्पाइडरमैन तक पहुंचा सकती है। तो चल आजा सिंचन, अभी देखिए स्पाइडरमैन का क्या हाल करता हूँ। 1 2 3 ओह बॉय साहब, मैंने इस स्पाइडरमैन को क्या ही गंदे वाला मारा है। और अभी ये उठना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इस पर एक दो वार कर देता हूँ। यार इस स्पाइडरमैन का सूट तो काफी ज्यादा ही मस्त लग रहा है। तो गाइज मैं अभी एक काम करता हूँ, मैं स्पाइडरमैन के सूट को पहन लेता हूँ ताकि यार हमारा जॉइंट स्पाइडरमैन मुझे ना पहचान सके। सो 3 2 1 वूफ। तो ये ले सिंचन, अभी बता मैं इस सूट में कैसा लग रहा हूँ? अरे फ्रैंकलिन भैया ये सूट तो मुझे पहनना था। अरे सिंचन कोई नहीं, ये सूट मैं थोड़ी देर के लिए पहन लेता हूँ, फिर इसके बाद तू पहन लियो। और गाइस यार ये देखो स्पाइडरमैन की ये कार क्या ही मस्त लग रही है और इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अरे हाँ गाइस यार ये देखो ये गाड़ी अंदर से कितनी ज्यादा मस्त लग रही है। सच में सिंचन ये यूनिवर्स यार काफी ज्यादा ही रिच है, इसीलिए इस दुनिया में हमारे सभी सुपर हीरो के पास काफी खतरनाक वाली गाड़ी हो सकती है। वैसे गाइस आपको ये गाड़ी कैसी लगी जल्दी जल्दी हमें कमेंट में बताओ। और जिस भी कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक होंगे मैं ऐसी गाड़ी उस सब्सक्राइबर को गिफ्ट करने वाला हूँ। तो चलो यार देखते हैं कि ये गाड़ी किसे गिफ्ट में मिलने वाली है, लेकिन यार अभी मुझे ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए और अभी हमें अपने अगले स्पाइडरमैन के पास पहुंचना चाहिए क्योंकि यार शायद वो हमारे जायंट स्पाइडरमैन का पता भी जानता हो। अरे तो फ्रैंकलिन भैया आप क्या कर रही हो? वे सिंचन तू चुप बैठेगा तभी तो हम उसके पास जा सकेंगे। तो चलो गाइज अभी हम जल्दी से अपने अगले स्पाइडी के पास पहुंचते हैं। तो चलो भाई लोग अभी हम अपने अगले स्पाइडरमैन के घर पर आ चुके हैं
और हमारी ये स्पाइडरमैन का घर कितना ज्यादा मस्त लग रहा है। शिनचैन तू ना मेरे पीछे पीछे रही हो, कहीं कोई तुझे पीट ना दे। तो चलो यार अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं और शिनचैन हमें अपना अगला स्पाइडर यार यहीं पर मिलना चाहिए। लेकिन गाइस पता नहीं यार जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मुझे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है और आप यहाँ का एनवायरमेंट भी देख सकते हो। पता नहीं यहाँ पर कौन सा स्पाइडरमैन हो सकता है। अभी हम यहाँ पर आते हैं लेकिन शिनचैन मुझे लगता है कि हमें हमारा स्पाइडरमैन मिल चुका है। गाइज ये देखो ये रहा हमारा स्पाइडी और ये तो हमारा विंटर स्पाइडरमैन है। अरे फ्रैंकलिन भैया ये विंटर स्पाइडरमैन क्या है? अरे शिनचैन ये स्पाइडरमैन का वो वर्जन है जो कि जहाँ पर भी जाता है वहीं पर बर्फ गिरने लगती है, इसीलिए आप देख ही सकते हो कि यार इसका सूट बिल्कुल आइस के जैसा है। तो चलो यार अभी जल्दी से मुझे इसे बेहोश करना होगा वरना ये हमें खत्म भी कर सकता है। 3, 2, 1 ये देखो भाई साहब यहाँ पर इसके नौकर भी है। मैं जल्दी जल्दी से इन्हें मारता हूँ और तेरी भी ऐसी की तैसी। तो चल शिनचैन इससे पहले कि वो स्पाइडी उठे हमें जल्दी से उसके सूट को भी चुराना है। अरे तो फ्रैंकलिन भाई आप खड़े होके क्या कर रही हो? अरे यार ये शिनचैन भी एक नंबर का बेवकूफ है, ये नहीं ये यहाँ पर जल्दी से आ जाए। शिनचैन ये सूट यार बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सकता है, इसीलिए गाइस ये सूट अभी मुझे ही पहनना होगा। तो चल शिनचैन अभी जल्दी से मैं इस सूट को पहन लेता हूँ। 3, 2, 1 सो ऑसम यार ये देख शिनचैन मैंने यहाँ पर ये विंटर स्पाइडरमैन का सूट भी पहन लिया है और ये देखने में क्या ही ज्यादा मस्त लग रहा है यार। जैसे मैंने इस सूट को पहना है इस सूट की सारी पावर मेरे अंदर आ चुकी है। तो चल शिनचैन अभी मैं तुझे इस सूट की पावर दिखाने वाला हूँ। अभी मैं यहाँ से जंप करता हूँ और भाई साहब ये सूट क्या ही पावरफुल है। लिटरली यार आप ये देखो मैं यहाँ पर इन रोड का क्या हाल कर रहा हूँ और ये रही यहाँ पर गाड़ी, इसे मैं उठाता हूँ और दूसरी में फेंक के मारता हूँ। ये दोनों गाड़ी क्या ही हो चुकी है। गाइज आप इसे अंदाजा लगा ही सकते हो कि अभी हम कितने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। ये इतनी भारी भारी गाड़ी है लेकिन फिर भी हम इसका क्या हाल कर रहे हैं। तेरी तो ऐसी की तैसी, इसे मैं पकड़ता हूँ और इस गाड़ी में क्या ही ब्रूटल तरीके से मार रहा हूँ। लेकिन यार अभी यहाँ की पुलिस भी हमें मारने आ चुकी है और यहाँ पर तो ये मिलिट्री आ चुकी है। मुझे लगता है कि यार ये विंटर स्पाइडरमैन एक एविल स्पाइडरमैन भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि यार हम यहाँ पर डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं इसीलिए ये यार हमें यहाँ पर आकर मार रहे हैं और मैं इनको जितना ही मार रहा हूँ उतने ही और भी ज्यादा मिलिट्री वाले हमारे पास आ रहे हैं। तो अभी तेरी बारी है, इसका भी देखो अभी मैं क्या हाल करता हूँ। तो चलो गाइज हमने यहाँ पर काफी ज्यादा लोगों को मार दिया है और अभी यहाँ पर और भी मिलिट्री आती जा रही है। मैं यार इन्हें आराम से संभाल सकता हूँ लेकिन अभी मुझे अपने जायंट स्पाइडरमैन को भी ढूंढना होगा। तो चलो यार एक बार मैं इसे और मार देता हूँ ताकि मैं यहाँ पर आराम से निकल सकूँ। तो चलो गाइस एक बार जल्दी से हम यहाँ से निकल लेते हैं वरना ये लोग हमें बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं है। पता नहीं यार हमारा जायंट स्पाइडरमैन कहाँ पर मिलने वाला है। लेकिन गाइस अगर आपको हमारा स्पाइडरमैन का ये सूट अच्छा लगा हो तो एक बार जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आप जैसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे हम हमारे जायंट स्पाइडरमैन के पास पहुंच जाएंगे और मुझे लगता है कि यार हमें यहाँ पर शायद कुछ मिल सकता है। अरे गाइस वहाँ पर ये क्या है यार? ये तो हमारा वेनम स्पाइडर है। यार मैंने सुना तो था हमारे पास एक ऐसा स्पाइडी है जिसके पास की यार वेनम और स्पाइडरमैन दोनों की पावर है और ये हमारे इस यूनिवर्स में रहता है। अरे हेलो वेनम स्पाइडी, मुझे यार तुम्हारी मदद की जरूरत है। अरे विंटर स्पाइडरमैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे यार दरअसल मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ और अभी हमारी दुनिया में एक जायंट ब्लैक स्पाइडरमैन ने हमला कर दिया है, इसीलिए यार मैं तुम्हारी मदद लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। लेकिन विंटर स्पाइडरमैन मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे यार अभी मुझे हमारे जायंट रेड स्पाइडरमैन को ढूंढना है क्योंकि यार अभी सिर्फ वही हमारी दुनिया को बचा सकते हैं, इसीलिए प्लीज यार अगर तुम उसका पता जानते हो तो उसका पता हमें दे दो। विंटर स्पाइडरमैन मैं तुम्हें जायंट रेड स्पाइडरमैन के पास एक सेकंड में पहुंचा सकता हूँ लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। अरे यार मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है तो बताओ तुम्हारी शर्त क्या है? विंटर स्पाइडरमैन तुम्हें तुम्हारे सब्सक्राइबर को बोलना होगा कि जिन्होंने भी रेड कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अरे हाँ गाइज यार अगर आपने रेड कलर के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अब जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करोगे हम हमारे रेड जायंट स्पाइडरमैन की लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। तो चलो अभी हम अपने काउंटडाउन को स्टार्ट करते हैं। सो 3, 2
वन। तो ये लो गाइस, अभी हम जाइंट रेड स्पाइडरमैन के लोकेशन पर भी पहुंच चुके हैं। वैसे यार वेनम स्पाइडी था बहुत ही ज्यादा अच्छा। हेलो जाइंट स्पाइडी, मैं यार तुम्हारी मदद लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अरे फ्रैंकलिन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे यार स्पाइडी, मैं यार तुम्हारी मदद लेने के लिए यहाँ पर आया था। और सिंचैन, तू भी यहाँ पर आ गया, अच्छा हुआ यार, मुझे तो तेरी चिंता हो रही थी। अरे फ्रैंकलिन भैया, आप ऐसे क्या करते हो? आपने तो मुझे वहाँ पर ही छोड़ दिया था, मैं तो बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर आया हूँ। अरे सिंचैन कोई नहीं, लेकिन ये देख, हमें हमारा जायंट रेड स्पाइडरमैन मिल चुका है और इसके तीन तीन सिर और छह छह हाथ है। अरे स्पाइडी, मुझे लगता है कि यार तुम्हारा कोई भाई है और यार वो एक ब्लैक स्पाइडरमैन है और उसने अभी हमारी दुनिया में तबाही मचा रखी है। अरे हाँ फ्रैंकलिन, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, वो स्पाइडरमैन मेरा भाई है, लेकिन वो एक एविल स्पाइडी है। अरे हाँ यार, वो तो मैंने देख ही लिया है और उसने अभी हमारी सिटी में ज़ॉम्बी वायरस भी फैला रखा है, इसीलिए यार अभी तुम हमारे साथ चलो वरना वो हमारे पूरे के पूरे लॉस सैंटोस को तबाह कर देगा। ठीक है फ्रैंकलिन, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन उस स्पाइडरमैन को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अरे कोई नहीं स्पाइडी, वो तो हम वहाँ पर ही देख लेंगे। तो चलो गाइज, हमारा स्पाइडरमैन अभी हमारे साथ हो चुका है एंड आई विश यार ये उस ब्लैक स्पाइडी को हरा दे। वैसे हमारे इस स्पाइडरमैन का साइज देखो कितना ज्यादा जाइंट है, यहाँ पर ये ब्रिज है और हम नीचे खड़े होकर भी यार इससे कितनी ज्यादा ऊपर है। तो चलो गाइज, अभी हम जल्दी जल्दी से अपनी दुनिया में चलते हैं और अभी मुझे फिर से वही मंत्र बोलना पड़ेगा, आबरा का जाबरा गिली गिली छू। ये देखा सिंचैन, मेरा मंत्र कितना ज्यादा मस्त है। और गाइज इसी के साथ हम हमारी दुनिया में भी आ चुके हैं। लॉस सैंटोस यार वैसे सभी यूनिवर्स से सबसे ज्यादा अच्छा है, हम पिछले यूनिवर्स में भी गए थे, लेकिन गाइज आपको हमारा पिछला यूनिवर्स ज्यादा अच्छा लगा या फिर ये वाला? तो चलो अभी मुझे जल्दी जल्दी से उस ब्लैक स्पाइडरमैन को ढूंढना होगा और मुझे लगता है कि यार हमें उसका पता भी लग चुका है, तो वो हमें यहीं कहीं पर मिलना चाहिए। हमारे स्पाइडरमैन के सेंसेस बता रहे हैं कि वो यहाँ पर ही आता होगा। और ये देखो, ये ब्लैक स्पाइडी भी यहाँ पर आ चुका है। ब्लैक स्पाइडी आप भी देख, मैं भी रेड स्पाइडरमैन बन चुका हूँ और अभी रेड स्पाइडरमैन इसे बहुत ही गंदे तरीके से मार रहा है। गाइस कुछ भी बोलो, हमारा रेड स्पाइडी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अरे यार ये ब्लैक स्पाइडी भी कम पावरफुल नहीं है, इसने दो ही पंच में हमारे स्पाइडरमैन को गिरा दिया। भाई ये यहाँ पर हो क्या रहा है? यार मुझे कुछ भी करके स्पाइडरमैन को मारना ही होगा, कहीं ये ब्लैक स्पाइडरमैन जीत गया तो हम तो फिर कुछ कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है कि यार हमारा रेड स्पाइडरमैन ही जीतने वाला है और ये रहा हमारा सबसे खतरनाक पंच। यार यहाँ पर अभी ये हेलीकॉप्टर भी आ चुके हैं इस फाइट को देखने के लिए, तो अभी ये ले मेरे सुपर पंच को। अभी यार मुझे अपनी एटॉमिक स्लैम और मारनी होगी और इस ब्लैक स्पाइडरमैन ने इस हेलीकॉप्टर का देखो क्या हाल कर दिया है। अभी मेरा अगर एक पंच इस पर पड़ गया ना तो ये बिल्कुल ही खत्म है। तो चलो गाइज, हमने यहाँ पर इस ब्लैक स्पाइडरमैन को भी हरा दिया है। वैसे मुझे पता था कि यार हमारा ये स्पाइडरमैन ही जीतने वाला है, लेकिन फिर भी ये फाइट बहुत ही ज्यादा मस्त थी। लेकिन अभी पता नहीं वो ब्लैक स्पाइडी कहाँ पर गया। जाइंट रेड स्पाइडरमैन मुझे छोड़ दो, मैं ब्लैक स्पाइडरमैन नहीं जानता था कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो गए, लेकिन तुमसे जीतना इम्पॉसिबल है। नहीं ब्लैक स्पाइडरमैन, तुमने मेरी सिटी में ज़ॉम्बी वायरस फैला दिया है, इसीलिए आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता है। तो चलो गाइज, आज की इस फाइट में हमने हमारे ब्लैक स्पाइडरमैन को हरा दिया है और अभी इसी के साथ यार यहाँ पर सभी लोग भी नॉर्मल होते जाएंगे। तो गाइज आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी जल्दी जल्दी हमें कमेंट में बताओ, और अगर आप चाहते हो कि यार मैं हमारे इस स्पाइडरमैन के ऊपर एक और वीडियो लाऊं तो यार कमेंट में पार्ट टू लिख देना। और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो।